आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, जो क्रेडिट लाइन अप्रूव की गई है वो की गई है भाई 3,500 रुपये की। अब देखिए काफी लोग इसमें अप्लाई करने जाएंगे मुझे पता है, लेकिन मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ यहाँ से अप्लाई करने से पहले। देखिए सिविल स्कोर बेटर होना चाहिए आपका, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट 700+ ही होना चाहिए। कंपलसरी नहीं है कि आपका 800 या 800+ 900 समथिंग, इतना नहीं होता। 700+ भी होगा आपको नॉर्मल लिमिट मिल जाएगी 2 से 4 हजार 5 हजार रुपए की। अब यहाँ पे देखिए 3,500 रुपए की जो लिमिट है वो अप्रूव हुई है। ये क्रेडिट लाइन है, दिस इज द नोट पर्सनल लोन। ओके सो यहाँ पर जो भी क्रेडिट लाइन मिलेगी यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट टाइम आपसे कितनी परसेंट का जीएसटी लिया जाएगा भाई, 530 रुपये आपसे यहाँ पर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन चार्ज लेंगे वो, मतलब कि इसी में से कट जाएगा। मतलब अगर आप विड्रॉल करोगे तो इसी में से कट पिटा के आपको मिलेगा वो रजिस्ट्रेशन चार्ज का कट जाता है फर्स्ट टाइम का। सेकंड टाइम आप जब विड्रॉल करोगे तो नहीं कटेगा, मतलब जीरो ही रहेगा, मतलब सालाना ही होता है ये। बट अगर आप यहाँ पे देखो प्रोसेसिंग फीस की अगर मैं बात करूँ तो भाई 250 रुपये प्लस जीएसटी आपका लगने वाला है। और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूँ पर मंथ, तो यहाँ पे 1.540% का इंटरेस्ट रेट है। और यहाँ पर आप लोगों को अमाउंट अगर 3,500 रुपये का विड्रॉल करते हो, लाइक मान लीजिए इतना विड्रॉल करते हो, तो थोड़ा बहुत कट पिटा कर आपके खाते में पैसे आएंगे, लेकिन रीपेमेंट आपको टाइम पीरियड का जो मैं आपको बता दूं, रीपेमेंट आपको 1 मंथ के अंदर करनी होगी। मतलब अगर आप अगर आपने आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा तो ऑलमोस्ट उसमें 45 दिन का टाइम पीरियड मिलता है रीपेमेंट करने का, लेकिन इसमें आपको 30 दिन का टाइम मिलेगा। क्योंकि इसमें आप देखिए लोन तो है नहीं, पर्सनल लोन है, पर्सनल लोन तो है नहीं, ये क्रेडिट लाइन है जिसे आप जो है विड्रॉल कर सकते हो। लाइक ओवरड्राफ्ट जैसी लिमिट फैसिलिटी होती है वैसे भी इसी तरह का है, जो भी लिमिट यूज करोगे उसी उसी का आपको थोड़ा बहुत चार्जेस पे करना होगा, देन टाइम पीरियड आपको 1 महीने का मिल जाएगा। हाँ काफी लोगों को अप्लाई करने के सोचेंगे, तो मैं आपको बता दूं अप्लाई कैसे करना है। दो तरीके हैं, फ्लेक्सी ठीक है, पे आपको सर्च कर लेना है गूगल पे। अगर आप चाहो तो गूगल पे जाकर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, बट यहाँ पे मुझे फ्लेक्सी पे नहीं दिख रहा, फ्लेक्सी सैलरी है शायद। हाँ नहीं, 1 मिनट गाइस, फ्लेक्सी सैलरी ठीक है। अगर आपको गूगल पे ट्राई करना है तो ऑलमोस्ट अगर आप चाहो तो गूगल से ट्राई कर सकते हो। अप्लाई यहाँ पे क्लिक करके छोटा सा फॉर्म है आपको जो फिलअप करना पड़ेगा। 3 स्टेप पर यहाँ पर क्रेडिट लाइन आपका अप्रूव हो जाएगा, लिमिट भी यहाँ पर शो हो जाएगी। लेकिन इस लिमिट को एक्टिवेट करने के लिए आपको छोटी सी एक बी केवाईसी करनी होगी। जैसे आप कभी आपने ऑनलाइन बैंक अकाउंट ओपन किया हो या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया हो तो एक वीडियो केवाईसी आपको करनी होती है, उसमें पैन कार्ड दिखाना होता है। सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर भी फॉलो करना होगा, आपको एक वीडियो केवाईसी करनी होगी, उसमें आपको पैन दिखाना होगा अपना, और आपकी जो क्रेडिट लाइन है वो अप्रूव हो जाएगी। लास्ट स्टेप होगा आपका अकाउंट से ई मनी डेट का, ऑलमोस्ट ये क्रेडिट लाइन अप्रूव हो जाएगा, एक्टिव भी हो जाएगा। अगर चाहो तो आप प्ले स्टोर पर जाकर इस एप्लीकेशन को डायरेक्टली डाउनलोडिंग कर सकते हो और डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू से भी अप्लाई कर सकते हो। आपको जैसा कंफर्टेबल फील हो वैसे अप्लाई कर लीजिए।